तो आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इमोशनल स्टोरी। भीमराव अंबेडकर की जीवनी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल मऊ में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपने सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी मीराबाई ने काली पलटन स्थित जन्म स्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, 12 बजे यहीं भीमराव का जन्म हुआ। कभी पंथी पिता और धर्मम परायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बंबई के एल्फिंस्टोन स्कूल में वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्धचरित उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की एलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने के वजह से फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय बीए के बाद एमए के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी के शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था। अतः वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार 8 लाख की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आए। वहां प्रेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति सुधार हेतु गठित साउथ बोरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम किया। उन्होंने मुक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एमएससी और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। उनके एमएससी का शोध विषय साम्राज्यी वित्त और प्राप्तीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। डॉक्टर लिट की मानद उपाधियों से सम्मानित
भी हुए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LLD और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने D.Lit की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ BA MA MSc PhD बैरिस्टर DSc D.Lit आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 64 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से मुख्य योगदान सामाजिक एवं धार्मिक योगदान, मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन, 1927 महासत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह 1930, केवल की गर्जना वर्ष 1935 जैसे आंदोलन चलाए, बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मुख्य नायक बहिष्कृत भारत समता जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्रिकाओं का संपादन किया। कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज स्थान 1924 के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 500,000 लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर बुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। जात पात तोड़क मंडल वर्ष 1937 लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूल नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्षी के आधार पर 1935 से हुई। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया। औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगति, खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। सन 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंध की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिकीकरण, बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाट की परियोजना, राष्ट्रीय
जल मार्ग केंद्रीय जल विद्युत प्राधिकरण बनाने में मार्ग प्रशस्त किए। सन 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया। उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया। उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंप कर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। वर्ष 1944 में अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंध योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 वर्षों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए सामान्य नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंप्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं विदेश नीति बनाई, प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विद्यापालिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा सामान्य नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज आदि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। सहकारी और सामूहिक खेतों, खेती के साथ साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने एवं सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों यथा बैंकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने की पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगिकीकरण की सिफारिश की। वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कार्य समय, समान कार्य, समान वेतन, प्रसूति अवकाश, सांवैतिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य नीति अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 में मुंबई प्रेसिडेंट चुनाव में 17 में से उन्होंने 15 सीटें जीती। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य, अवकाश, अपंग सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया। कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माइका खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक सन 1944 में पारित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि में श्रम कल्याण नीति की नींव डाली।
तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रति वर्ष मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। श्रम कल्याण निधि की क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाकर उसे जनवरी 1944 में अंजाम दिया। भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि श्रम की दिशा और दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रातृप्त ऋण, आवास, रोजगार, जमा पूंजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियम संभव कर दिया गया। नवंबर 8, 1947 को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया। स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण कराया। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए, समाज के लिए एक से बढ़कर एक काम किया। उम्मीद है यह स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे भविष्य में इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमदर्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।